भाई तूने अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। क्यों भाई, क्या हुआ? अगर किसी ने उसके साथ गलत हरकत कर दी तो? तू टेंशन मत ले भाई, मैंने अपनी बहन को बोल रखा है अगर कोई ऐसी घटिया हरकत करे ना तो उसका मर्डर करके सीधा घर पर आ जियो, केस तेरा भाई लड़ लेगा। और उसके बाद जब पुलिस तुम्हारे घर पे आके बहुत ही अच्छे तरीके से गांठ तुरान करेगी ना, तब जो दर्द होगा ना भाई, वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो गाइस फिर से स्वागत है आपका हमारे सस्ते रोस्ट पे। और पिछली बार मैंने बोला था कि अपने केआरके का दूसरा भी रोस्ट करेंगे, लेकिन वो रोस्ट अलग होगा। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना मौज डाउनलोड करके उसके सस्ते नशे जाए। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने मौज ऐप इंस्टॉल ही किया है और ये पहली वीडियो जो मेरे सामने आई है अलग ही बकचोदी है। मतलब यार चलो आगे और देखते हैं, और क्या ही बताऊँ मैं। इशारे तेरी करती निगाह, आवे दूर मेरे चल से हवा, सच्चा प्यार मने तेरे ते होया, कुछ तारे आते सारे से गवा, मिला तू मने सब गया। मर जाएंगे मोदी जी अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली तो। मतलब यार कहाँ तुम्हारी वीडियो, कहाँ तुम म्यूजिक कौन सा लगा रखे हो। यहाँ एक आदमी बेचारा मोदी जी से अच्छे से बात करे जा रहा है, उससे गले मिल रहा है, और तुमने यहाँ प्यार मोहब्बत के गाने लगा रखा है। लिटरली बता रहा हूँ, ये जब मैंने देखी भाई मैं हंस हंस के पागल हो गया था। मतलब यार म्यूजिक भाई थोड़ा देख के लगाना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं आता। अच्छा भाई देख तो, तेरी गर्लफ्रेंड के लिए क्या बोल रहा है? कौन है तू? और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक शब्द मत निकालना, मेरी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उसे। कौन है ये? तेरे बाप। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी भी बहुत टाइम है, छोड़ दे ऐसी गर्लफ्रेंड को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके साथ तेरी जिंदगी और 4 सेकंड टिकने भी वाली है। अलग ही नशे है भाई, गर्लफ्रेंड खुद ही अपने बॉयफ्रेंड को पिटवाने के काम धंधे करवा रही है। मैं अभी से बता रहा हूँ भाई, तू छोड़ दे, ठीक है? तेरा कुछ नहीं हो सकता इसके साथ, ठीक है? मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऐसे तो खुद ही पीटने के काम कर रहा है, तो ऐसे हो गए कि पड़ी लकड़ी। अभी मैं कैसे बताऊँ, अपनी वीडियो में अपने ज़्यादा गाली नहीं देते, वरना अभी बता देता। खैर छोड़ो, और देखते हैं। तुझे जाने ना मैं दूंगा बेबी आज, दिल से निकल के आ रही है ये आवाज, मलिका हूँ सुन मैं हूँ तेरा सरताज, तू मेरी मम्मी को लगे ममताज, दिखाई तेरी। बहुत ज्यादा डर, औकात से ज्यादा डर लग रहा था जब मैंने सोचा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या हो गया। ठीक है, अगर इस लड़के की जगह मैं ऐसा काम करता हूँ तो भाई इस लड़की सीधा महिला हेल्पलाइन बुलाएगी, और जो गांड तुड़ान होगी ना मेरी भाई, मैं 4 महीने तक खटिए से उठ नहीं पाऊंगा। ठीक है, मेरे घर वाले पिटाई करेंगे, वो बात अलग है, ऐसी हरकतें करने पर। भाई आजकल के लड़कों को हो क्या गया, अलग ही नशे में हो रहे। और ये लड़कियाँ अभी क्या कर रही है, अपने यहाँ अगर ऐसा करने गए तो भैया तुम्हारी बहुत अच्छी खासी पिटाई होगी, क्या ही किया जा सकता है। अरे भाई मुदस्सर। हाँ। अरे भाई तू मुंबई से आ गया? नहीं, अभी रास्ते में चल रहा हूँ। अच्छा रास्ते में चल रहा है क्या? भाई आ जा तो मुझे बताना यार, मुझे मिलना है तेरे से यार। नहीं नहीं आपका दिमाग खराब नहीं है, आपने जो देखा है वो एकदम सही देखा है। ठीक है, यहाँ पर मतलब कौन से नशे किए जा रहे, हर बार की तरह मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया ऐसे नशे हमसे ना हो पाएंगे, भैया हमें भी ऐसे नशे चाहिए। मैं ऐसे नशे की बहुत में तलाश में रहता हूँ, मतलब यार कैसे अलग ही नशे होते हैं। पिछली बार हमने केआरके के सस्ते नशे देखे थे, आज इन लौंडों के नशे देखो भाई, मतलब यार अलग ही चल रहे हैं। ठीक है, पहली बार तो मुझे लगा कि मैंने क्या देख लिया, मतलब यार अलग ही हो रहा है। तो खैर आज की बकचोदियों में इतना ही, अगली बार अपने और सस्ती नशे करेंगे। और इस बार भी मैं यही कहूँगा कि अगली बार अपने केआरके की वीडियो लाएंगे, वैसे मैं कभी लाता ही नहीं हूँ। खैर छोड़ो, आगे देखते हैं। और मुझे लगता है कि ये म्यूज़िक की वजह से मेरे बहुत ही ख़राब कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ने वाला है, तो इससे पहले वीडियो हट जाए यार, जल्दी से देख लो। तब तक के लिए गुड बाय।